हाय मॉमीज़ एंड डैडीज वेलकम बैक टू माय चैनल बींग मॉम और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यू बॉर्न बेबी का जीरो टू सिक्स मंथ तक के बेबी का फुल बॉडी मसाज कैसे किया जा सकता है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं बेबी मसाज के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपकी बेबी को कंफर्टेबल होना चाहिए वो खुश है और वो खाली पेट नहीं अगर वह भूखा रहेगा तो बिल्कुल मसाज uh, को इंजॉय नहीं करेगा तो इसलिए आप फीडिंग के 45 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद उसे मसाज कर सकते हैं यहाँ पे मैं मसाज पहले पैर से प्रेफर करती हूँ और मैं बोलूँगी कि पैर से ही करना चाहिए क्योंकि अगर अचानक आप बेबी का पेट या फेस वगैरह छूने लगेंगे तो उसे थोड़ा सा नॉइंग लगता है तो आप धीरे धीरे जब पैर से उसका सोल से पैर का मसाज करें तो वो रिलैक्स फील करेगा वैसे भी हम लोग भी ऐसा लगता है कि जब वो तो पैर दबाता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो ये बेबी के केस में भी होता है एक और बात जो आपको मसाज के टाइम पे ध्यान रखनी कि बेबी आ, के साथ आप बात करते रहें उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए उसको मतलब खुश रखना है क्योंकि बच्चा जो होता है ना एक तरह से वो हर कुछ आ, समझ जाता है अगर आप आ, इधर उधर ध्यान देंगे तो आपके टच को ना उस टाइप से फील नहीं कर पाएगा तो आपको कम्प्लीटली एक तरह से उसको अटेंशन देना है कि आप और आपका बेबी चाहे कोई कर वैसे बेबी का मसाज अगर फैमिलियर लोग करते हैं जैसे पहले नानी या दादी करती थी कभी तो, तो उतना टाइम नहीं मिलता सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो और मसाज मैं जिस तरह से बता रही हूँ वैसे आप करेंगे पर थोड़ा लंबा रिपीटेशन आपको करना है नेक्स्ट जो आती है कि चेस्ट और अपर बॉडी का मसाज तो चेस्ट और अपर बॉडी के मसाज के बहुत फायदे भी हैं खास करके चेस्ट जो लंग वगैरह क्लियर होता है बच्चे की जो निमोनिया के सिम्टम्स जम के बाद प्रॉब्लम हो जाती है वो भी नहीं रहती है म्यूकस जो जम जाता है जो कफ होता है जब आप वॉब मसाज करेंगे तो वो भी निकल जाता है बच्चों की पोटी के थ्रू वो कफ निकल जाता है और बल्कि हाथ की जो मसाज है वैसे तो मसाज के तो बहुत फायदे हैं जैसे मसल टोन्ड होता है मसल स्ट्रेंदनिंग होती है तो जैसे अगर अपर मसाज करेंगे तो बाद में जब बच्चा क्रॉल करेगा तो वो मसल स्ट्रॉन्ग हो के टोन्ड होके उसको बहुत फ़ायदा करता है बहुत स्ट्रांग मसल होता है तो उसके माइल स्टोन क्रॉलिंग वगैरह में उसको बहुत फायदा मिलता है फिर ग्रॉस मोटर जो शोल्डर की जो मसाज है जैसा मैं कर रही हूँ ऐसे करने से क्या होता है कि हाथ फैलाने में उसको बहुत हेल्प मिलता है तो मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी कर रही हूँ अगर आपको टाइम है तो आप इसके मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन करें क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा लंबा अगर करने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा जैसे ये वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है आ, तो इस तरह से आपको धीरे धीरे मसाज करना है नेक्स्ट जो आती है टमी मसाज टमी मसाज की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है ये बहुत ही जरूरी होता है बेबी में टमी मसाज गैस के लिए बच्चे की जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और क्योंकि बच्चा ज्यादा चलता फिरता है नहीं और अगर माँ भी इधर उधर का खा ली तो लोग बोलते हैं कि बच्चा का गैस बन जाता है खास करके जो बच्चा ब्रेस्ट फिट करता है और जो बच्चा फॉर्मूला पीता है उसको भी कभी कभी डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं तो अगर बच्चे को ऐसी कुछ गैस प्रॉब्लम हुई होगी तो आराम से मसाज लेकर आप देखेंगे कि टमी मसाज के बाद अगर कंस्टिपेशन तो वो कुछ देर के बाद मोशन पास भी कर देता है नेक्स्ट uh, है फेशियल मसाज फेशियल मसाज भी बहुत जरूरी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जैसे मेरी मम्मी uh, नानी लोग बोलती थी कि uh, नाक वगैरह से मसाज करने से uh, नाक खड़ा होता है शार्प होता है में तो तो फेस में जब तुम मसाज करोगे तो जॉब ऑन होंगे फेस सुंदर होगा जैसे इस तरह से मैं कर रही हूँ अगर किसी किसी का फोरहेड वगैरह भी उठा हुआ रहता है तो अगर आप ऐसे मसाज करेंगे तो अच्छा दिखता अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैंने साइनस पॉइंट को भी कवर किया है मैं इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हूँ तो अगर आप साइनस पॉइंट को कवर करेंगे तो उससे बच्चा की स्लीपिंग uh, अच्छी होती है उसकी जो ब्रीथ पैटर्न है कफ वगैरह जो की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है Uh, उसके बाद कान के नीचे भी ये सारे साइनसिस पॉइंट होते हैं इसमें आपको अगर मसाज करेंगे उसके बाद नाक के पास मसाज करने से जो ब्लॉक डर डक्ट होता है वो भी खुल जाता है तो बच्चे के किसी किसी बच्चों में आपने देखा हो आँखों में पानी आता है उसकी प्रॉब्लम भी नहीं रहती है तो फेशियल मसाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है और uh, नेक्स्ट है बैक मसाज बैक मसाज अगर आपका बच्चा का तीन महीना से ऊपर अगर तो उसका हेड कंट्रोल आ गया तो आप उसको uh, एक फ्लैट सरफेस पे लटा के करवा सकते हैं नहीं तो फिर आप उसको जैसे पहले गोद में किया जाता था, पैर फैला के या फिर अपने थाई पे रख के आप उसको बैक मसाज कर सकते हैं। बैक मसाज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब बच्चा खड़ा होता है चलता है पेट के भलाता है तो हर उसमें बैक मसल की Uh, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है साथ ही साथ उसको स्पाइन uh, के पास जैसे मैं कर रही हूँ अगर वैसे करने से तो उसको एक सेंसरी स्टिमुलेशन भी मिलता है तो उससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट सेंसरी जो किसी किसी बच्चे में डिले हो जाती है सेंसरी इशूज जो होते हैं वो नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पे आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं बैक जो है सेंसरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अच्छा भी लगता है जब आप उसको ऐसे मसाज करेंगे बच्चा बहुत एंजॉय करता है बैक मसाज को इसी तरह से आपको मसाज करना ऊपर से नीचे और कमर वगैरह की जो बच्चे में लेट लेट के कभी कभी सीधा सुपाई सीधा लेट लेट के बच्चे में कभी कभी बैक पेन मतलब उसको शरीर ऐठने लगता है और बोलते हैं बच्चे इसलिए मसाज पुराने ज़माने में बोलते थे कि आराम से लेता है कि वो एवरीडे ग्रो करता है तो उसका बॉडी एक तरह से पेन करते रहता है मेरे यहाँ पे तो मैं डायपर पहना के कर रहे हैं जब आप करेंगे तो डायपर खोल के तो बैक साइड का जो थाई वगैरह हिप है वो मसाज आप इस टाइम पे कर सकते हैं क्योंकि सुबह सीधा टाइम पे आप उतना कर नहीं पाते हैं तो इस तरह से आपको मसाज कंटिन्यू करना है अगर तो ऑयल की बात करें तो आप कोई भी मसाज ऑयल मार्केट में बहुत सारे ऑयल आते हैं उसके बाद ऑयल है नारियल तेल है सिसमी ऑयल है ये सब यूज़ करते हैं गर्मी में सरसों तेल नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है अब आते हैं स्ट्रेचिंग ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा जब आप एक बार मसाज कर दिए तो उसके बाद जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो आराम से बच्चा का सारा मसल वगैरह लूज हुआ रहता है तो उस टाइम पे स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और पहले भी मुझे याद है कि मेरी मम्मी लोग भी बच्चों को ऐसा करती थी हाथ पर ऐसे कुछ कुछ वो लोग कहानी एक तरह से पोयम तरह से भी बोलते थे और ये सारी जो मूवमेंट है करते थे इससे मसल और ज्वाइन फ्लेक्सिबल होता है तो जब बच्चा माइलस्टोन जैसे बैठना चलना तो उसमें उसको बहुत सपोर्ट मिलता है उसको अच्छे से वो बैलेंस कर पाता है जैसे आप किसी किसी को देखेंगे खड़ा हुआ पर बच्चा गिर जाता है तो वो मसल और ज्वाइन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं उसकी टोन नॉर्मल हो जाती है तो स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है बच्चा एंजॉय भी करता है उसको लगता है कि ये कुछ फन हो रहा फन एक्टिविटी हो रही है तो वो मजा भी करता है तो फिर आज की वीडियो यहीं तक मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक केयर